मंच पर आप सभी का स्वागत है। लोक वाणी के इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ शिल्पा पाठक। आई सबसे पहले चलते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दस मई को उलड़ी थाना क्षेत्र के विशाल सिंह की हत्या के 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिक्किपे के कुख्यात अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार, मरवाइस थाना के हाजिर से वह फरार। मुस्ताक के मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता अनिल दुबे ने किया हंगामा। और डेंगू से निपटने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मानसून से पहले जिले के उपायुक्त ने लोगों को दिए जागरूकता के टिप्स। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के उलड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस ने 10 मई को विशाल सिंह नामक युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी एसएसपी अनुप बिरथे ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 10 मई को विशाल सिंह नामक युवक की 3 बाइक सवार अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर इस मामले का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि उलड़ी की रहने वाली सभी आरोपी है। कुछ दिनों से इनका आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इन लोगों ने विशाल अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी इन लोगों ने आकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके बाद उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ लोग और भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दिनांक 10 मई को उलड़ी थाना अंतर्गत हुई एक हत्या के उद्भेदन का काम किया है। 10 मई को उलड़ी थाना अंतर्गत विशाल सिंह नाम के एक युवक की गोली मार करके हत्या की गई थी 7-8 अपराध कर्मियों के द्वारा। उस घटना के बाद में एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम में डीएसपी हेडक्वार्टर 2 उलड़ी थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारी थे। इसकी मॉनिटरिंग सिटी एसपी जमशेदपुर कर रहे थे। इस केस का बहुत जल्दी उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने किया है। इस केस में टोटल 4 लोगों की अरेस्टिंग हम लोगों ने की है, जिनके नाम है सोहेल अंसारी, निखिल कुमार साव, रमेश कुमार वर्मा और भोला महतो। 4 युवक जो उस घटना में शामिल थे उनकी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। एक युवक ने सरेंडर किया है, जिसका नाम राहुल गुप्ता उर्फ शोले है, जो उस घटना में शामिल था, उसने माननीय न्यायालय में आज सरेंडर किया है। इसके अलावा घटना में टोटल 3 मोटरसाइकिल यूज हुई थी। ये लोग 8 लोग थे जिन्होंने 3 मोटरसाइकिल से जाके इस हत्या को अंजाम दिया था। उसमें से 2 मोटरसाइकिल, 2 पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। एक जो निखिल कुमार साव नाम का लड़का है उसकी बाइक है, और दूसरा सोहेल हुसैन अंसारी है उसकी बाइक है। और इसमें बाकी 3 लोग जो शामिल थे उनका भी नाम क्लियर हो गया है। इस घटना का मूल कारण जो मृतक हैं विशाल सिंह, उनका एक मित्र है विकास कुमार गिरी, जो कि साथ में बैठ करके उनके साथ उस समय घटनास्थल पर शराब पी रहा था। उसके साथ इन युवकों का एक विवाद था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। घटना के 2 दिन पहले भी इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था, उसी कारण से ये लोग आए थे यहाँ पर, और इसी झगड़े झंझट के क्रम में उन लोगों ने विशाल सिंह को गोली मार दी, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। और बहुत जल्दी पुलिस ने इस केस में पूरे घटनाक्रम को क्लियर कर लिया है। बाकी 3 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं और 1 मोटरसाइकिल, हम लोग उनको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे और इसमें अच्छे से अनुसंधान कर चार्जशीट समर्पित करेंगे। जमशेदपुर के बरामाइस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार चकंदरपुर का कुख्यात अपराधी भोला पांडे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जिसके तलाश में पुलिस बरामाइस का विभिन्न ठिकानों में छापेमारी अभियान चला रही है। बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर बरामाइस पुलिस के द्वारा कैलेश कॉलोनी से भोला पांडे नामक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया था, जिसे चकदर पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी, जिसके खिलाफ चकदर पर लूट छिनते हत्या के कई मामले दर्ज है। सुबह चकदर पुलिस भोला पांडे को लेकर बरामाइस थाना पहुंची, जिसके बाद भोला पांडे को हाजत से निकाला गया। उसी वक्त भोला पांडे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश बरामाइस पुलिस क्षेत्र के कई ठिकानों में छापेमारी कर रही है, मगर पुलिस को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी, जो पुलिस की उदासीनता को दर्शाता है। जमशेदपुर के एमजे अस्पताल में बुधवार को उस वक्त हंगामा का माहौल देखा गया, जब कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे अस्पताल मरीजों को हो रही दिक्कतों के खिलाफ पूरे तेवर में आ गए। इनके द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों को जमकर फटकार भी लगाई, साथ ही अधीक्षक से अस्पताल की व्यवस्था में त्वरित सुधार की मांग की गई।
वैसे एमजे मसवाल हमेशा से अपनी कुव्यवस्था के लिए सुर्खियों में बना रहता है। बुधवार को कांग्रेस अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर पहुंचे थे, जिनकी अगुवाई कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने किया। इनके द्वारा अस्पताल में पहले वार्डों तथा इमरजेंसी का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मरीजों को इलाज की कमी से तड़पते हुए देखा। बस फिर क्या था कि वे अपने पूरे तेवर में आ गए। अस्पताल में हंगामा का माहौल बन गया। अस्पताल में उन्होंने कई मरीजों को बिना बेड के जमीन पर लेटा हुआ देखा। कईयों की लाश में कमी पाया, जिस पर उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों को पकड़कर जमकर फटकार लगाई और उनसे मरीजों का त्वरित इलाज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होगी तो अस्पताल में कोई ठीक होना बल्कि उल्टा बीमार होकर चला जाएगा। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था में त्वरित सुधार करने की मांग भी अस्पताल अधीक्षक से की है। हॉस्पिटल की ये दशा है कि आप नीचे जाकर के देखिए, गरीब मजदूर बेचारे नीचे जमीन पर पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी हमने देखा, आपके माध्यम से हमने पूरे झारखंड को दिखाने का प्रयास किया कि देखिए किस तरीके से एक एक्सीडेंटल केस सुबह आकर के पड़ा है 7 बजे से, और ब्लडिंग होकर के अब वो निष्ठल हो चुका है। लग रहा था कि अगर हम लोग 10 मिनट नहीं आते तो अभी प्राण त्याग देता है। यहाँ पर ब्लडिंग होते होते उसका ब्लड सूख गया, लेकिन एक आदमी उसको स्टिच करने वाला नहीं है। ऑक्सीजन के बिना एक मवेशी के तरह मुंह खोल रहा है, सिकोड़ रहा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन देने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया है तो यहाँ ऑक्सीजन लगा, यहाँ पर ब्लड चढ़ाया जा रहा है। अब आप बताइए, उसके बगल में इस तरीके का स्थिति है मरीजों का, और उसके बगल में डेथ बॉडी रख दिया है। अब आप समझिए कि डेथ बॉडी को हटाने वाला कोई यहाँ नहीं है। आप किस तरीके का लूट हो रहा है यहाँ पर, आपके समझ की बात है। गरीब बेचारे छोटे छोटे दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, गरीब दवा दवा के लिए तरस रहा है कि हमको एक छोटा दवा, बुखार का, खांसी का, सर्दी का दवा इस हॉस्पिटल में मिल जाए, वो तक नहीं है। सरकार कहती है कि हमने करोड़ों रुपया दवा के लिए दे दिया। भैया वो रुपये गए कहाँ, वो दवाइयाँ गई कहाँ? यहाँ सरकार के तरफ से बेडशीट धोने के लिए लाखों रुपये महीने में खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट के पास में बेडशीट नहीं है, एक पेशेंट के पास में तकिया नहीं है, बिजली के लिए यहाँ पर डीजी सेट की व्यवस्था नहीं है। ये सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे और एक समय देंगे। उस समय पर निश्चित नहीं होगा तो हम लोग उसके बाद इस पर अगली रणनीति पर काम करेंगे। वही इस मामले में अस्पताल एक प्रभारी अधीक्षक सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई मांगे उनके समक्ष रखी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कई क्षेत्र जिस कार्य में बेहतर सुधार हो सकता है वैसे कार्य करेंगे, लेकिन जहां बिल्डिंग की बात है उस पर स्वास्थ्य विभाग का अधिकार और वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। की मांग है कि जैसे बर्न वार्ड है वहाँ का एसी खराब है, बेड है, इमरजेंसी में बेड की कमी है, जिसके कारण मरीज जमीन पे लेटे रहते हैं, और इसके अलावा है कि बाथरूम वगैरह की कमी है, लेडीज वगैरह है उन लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है, तो इस तरह की समस्याएं हैं। कुछ कुछ उन लोगों ने मांग दिया है कि नाली टूटा हुआ है, नाली बनाना है, कुछ जगह दीवार टूटा हुआ है वहाँ बनाना है, कुछ कुछ जगह है कि गंदगी है उसकी सफाई करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग आए। हमने यही आश्वासन दिया कि जो काम फिनेंस से संबंधित नहीं है, क्योंकि फिनेंस का अधिकार हमको नहीं है, वो सारा समस्या तो हम दूर कर देंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल बेड की कमी है या बिल्डिंग बनाना है, ये सारा तो सरकार के स्तर का मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साफ सफाई या जो रूटीन वर्क है उस वो सारा हम कर सकते हैं, वो सारा हम देखें। असल इमरजेंसी की स्थिति ये है कि बेड 30 है, मरीज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये सरकारी अस्पताल है, हम ना किसी को नहीं कर सकते, तो उसी में जिस तरह भी होता है हम लोग मैनेज करके इलाज करते हैं, और यही हम लोग कर सकते हैं। जमशेद में विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन जिसको के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर मानसून से पहले लोगों को जागरूक कर डेंगू से होने वाली मौत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साक्षी से बंगाल क्लब सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त अमित कुमार के अलावा जिसको के एमडी आशीष माथुर एवं तीसरी व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधि और कई चिकित्सक एवं विभिन्न संगठन लोग मौजूद थे। कार्यशाला की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि मानसून से पहले लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। डेंगू को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वे में पिछले वर्ष 710 मरीज पूरे राज्य में पाए गए थे, जिनमें से 340 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में थे। इस कारण डेंगू को लेकर पिछले वर्ष पूरे राज्य में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां सभी अस्पतालों में डॉक्टर के डेंगू मरीज भरे पड़े थे। इस अस्पताल में 4 लोगों की मौत डेंगू के चपेट में आने से हो गई थी, जिसे देखते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन निजी कंपनियों के सहयोग से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाकर डेंगू को खत्म करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के पास डेंगू से निपटने के लिए कई टिप्स मौजूद थे। इस वर्ष 2 लाख लोगों के बीच में मच्छरदानी का वितरण मानसून के पहले किया जाएगा। दरअसल
आज की जो कार्यशाला है वो कई मायने में अहम है। डेंगू का आतंक जमशेदपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बढ़ते जा रहा है, उस पर एक प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। और इसी को देखते हुए आज की इस कार्यशाला का आयोजन जो है वो किया गया है। और इस कार्यशाला का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सोसाइटीज को, कम्युनिटीज को ट्रिगर करें, उनको जागरूक करने का काम करें कि इससे पहले कि डेंगू का कोई केस आए, तमाम समाज के तमाम लोग जो है वो उससे लड़ने के लिए अपने आप को पहले से ही जो प्रिपेयर करें। कि पूरे झारखंड राज्य में 710 केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए और उसमें से 340 केसेस जो है वो जमशेदपुर से, यानी 50% जो मरीज हैं राज्य में वो जमशेदपुर से जो है वो बिलोंग करते हैं। खबरों वक्त छोड़ से ब्रेक का बने रहे हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरायकला खरसवा पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 2 चोरों को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चोरी की घटनाओं में हो रहे बेताज अभिवृद्धि के बाद जिला पुलिस की कार्यशाली पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे। वही चोर लगातार जिला पुलिस को चुनौती दे रही थी। बीती रात भी सरायकला के 2 मंदिरों में चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया था, मगर जिला पुलिस चोरों की चुनौती स्वीकार करते लगातार क्षेत्र में छापेमारी अभियान चला रहे थे। वहीं देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकला थाना अंतर्गत पांडुआ के समीप से शक के आधार पर पश्चिम सिंहभूम जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के आयरन सुंडिया विक्रांत सुमराई को चोरी की योजना बनाते रंगे हाथ धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की स्कूटी बरामद किया है। वहीं पुलिस के समक्ष दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उधर पुलिस दोनों के मामले और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला है जो आज प्रकाश में, कल गुप्त सूचना मिली थी कि सरायकला थाना अंतर्गत ग्राम पांडुआ के बाहर में 2 लड़के संदिग्ध अवस्था में देखे जा रहे हैं, जो हो सकता है कोई घटना को अंजाम देंगे। इसकी सूचना सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम जब वहाँ जाके पहुँची, सत्यापित की तो पाया गया कि 2 लड़के जो पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना के रहने वाले, जिनका नाम क्रमशः रविकांत समुराई एवं आर्यन सुंडी है, ये एक चोरी का स्कूटी लेकर के घूम रहे हैं और कोई घटना को अंजाम देने वाले थे। इसी को हम लोग सत्यापित करते हुए पाया दर्ज की गई है और न्यायिक अभिरक्षा में उसे दिया जा रहा है। सरायकला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र में होटवार जेल में टाक लेकर आ रही एक जीप और एक बस में सीधी टक्कर हो गई। वैसे इस दुर्घटना बस ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 सिपाही जख्मी हैं। इधर दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रांची के होटवार जेल से डाक लेकर सरायकला जा रहा था, जैसे ही थाना से आगे बढ़ा तेजी से आ रही रफ्तार बस से सीधी भिड़त हो गई। वैसे इस भीषण दुर्घटना बस ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है बस में यात्री नहीं था। फिलहाल मृतक को पोस्टमार्टम के लिए एमजे अस्पताल में भेज दिया गया। घायलों का इलाज एमजे अस्पताल में चल रहा है। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लगा। क्या बोले?
इधर से वो ट्रक आ रहा, हम लोग तो यहाँ कोर्ट का कागज लाने आ रहे थे, अचानक बजड़ दिया सारी गाड़ी, पलटी हो गया। पलटी होने पर मेरा एकदम पैर एकदम लग गया, नहीं तो मैं टूट गया हाथ में भी। वो माल लोट वाला है सर, हाँ पलटी हो गया, दूर भी थे ड्राइवर है ना। झारखंड के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने दावा किया कि आने वाले सभी चुनाव में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, इस जनाधार का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को जाता है। उनके करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है कि जनता ने भाजपा को अपना जनादेश दिया है। उन्होंने कर्नाटक की जनता का आभार प्रकट किया, साथ ही कहा कि आने वाले सभी चुनाव भाजपा और भाजपा के समर्थन वाली पार्टी की जीत ही सुनिश्चित होगी। कर्नाटक में विकास की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास का रथ चल पड़ा है, विकास की गति जो तेज हुई है, उसको कर्नाटक की जनता ने भी मोहर लगा दिया है और कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी। ये इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व को, उनके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य को और पूरे देश में जो विकास के काम चल रहे हैं उसको कर्नाटक की जनता ने भी स्वीकार किया है। अब जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, हमारा दो सिल्ली और गोमिया दोनों जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों जगह पर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का जो योजना है, विकास का जो कार्यक्रम है और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का जो करिश्माई नेतृत्व है और राज्य में हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मूर्त रूप देने का जो उन्होंने काम किया है, उस आधार पर दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जमशेदपुर जिला कांग्रेस महिला समिति के द्वारा बैठक कर मिशन 19 में महिलाओं की भागीदारी के साथ केंद्र राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पर विचार विमर्श किया गया। बिस्टुक स्थित तिलक पुस्तकालय प्रदेश कांग्रेस महिला समिति के आह्वान पर कोलान स्तरीय बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस महिला कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कांग्रेस महिला कमेटी के महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई कांग्रेसी नेता नेत्री मौजूद थे। बैठक में केंद्र राज्य सरकार की विफलता और मशीन 19 की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। इस स्थान में मीडिया से बात करते हुए नेता डिसूजा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश को महिलाओं को जागरूक कर केंद्र सरकार के झूठे वादों महंगाई को लेकर आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों के द्वारा बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए ताकि मिशन 19 में वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके। कोलान प्रमंडल का जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस के, उनकी बैठक है आज। और इस बैठक में बस हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं तो एक दूसरे से बातचीत कर ले, उनके एरियो में क्या हो रहा है उन बातों की जानकारी ले। मिशन 19 को लेके हम सब महिलाएं, जो महिला कांग्रेस के महिलाएं हैं, प्रदेश कांग्रेस के हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट होके काम कर रहा है। और जिस तरीके से जो सरकार है, भाजपा सरकार है, जो यहाँ पे उनकी जो गलत नीतियों, महंगाई हो या महिलाओं की जो महिलाओं पे अत्याचार, रेट ऑफ क्राइम, रेप केसेस वगैरह, इन सभी चीज़ों को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की थी, जिसके तर्ज पर हम लोगों के द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठक कर महिलाओं को राजनीति के कई गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि हम भी अपनी दावेदारी उम्मीदवार के रूप में पेश कर सके। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 33% आरक्षण की मांग बहुत जोर शोर से उठाई और हम लोग उसमें है, लेकिन 33% मांगने से नहीं बल्कि हमको उसके लायक बनना होगा, तभी हम टिकट की मांग कर सकते। जब हम उस लायक ही नहीं है तो टिकट क्यों मांगे। लेकिन ये सच है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता जी, हमारी प्रभारी नेता जी और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी की सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो 33% आरक्षण देना है और इसकी भी हम लोगों ने पूरी तौर से वकालत की। आम आदमी पार्टी जमशेदपुर इकाई द्वारा शहर के सुनाई इलाके में व्याप्त की समस्याओं के निदान किए जाने की मांग पर जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया, साथ ही 3 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने बताया कि सुनाई इलाके के निर्मल नगर में पीने के साफ पानी की घोर कमी और यहाँ के लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं क्षेत्र में नालियां भी नहीं बनी है जिस कारण से क्षेत्र में कचरों का अंबार लगा हुआ रहता है और यहाँ के लोग इससे बीमार भी पड़ रहे। साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, जिस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने अविलंब कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंप इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई।
उपायुक्त कार्यालय में तीन मांगों को लेकर आए हैं, जो कि सनारी का निर्मल नगर में जो कि वहाँ का पानी का व्यवस्था नहीं है, नाली का भी नहीं निर्माण है, वहाँ पे बहुत कचरा का भी गंदगी का ढेर है, और पूरे जमशेदपुर शहर में जो हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो अवैध वसूली हो रहा, हम लोग तीन मांग को लेकर आज उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि निर्मल नगर में पानी का व्यवस्था वहाँ जल्द किया जाए और नाली का भी निर्माण वहाँ पे किया जाए निर्मल नगर में, जो कि बहुत वहाँ के बस्ती में गंदा है, वहाँ पे कचरा का भी नहीं उठा होता है। तो आइए हम लोग डीसी साहब से मांग करते हैं कि निर्मल नगर में पानी का व्यवस्था किया जाए और वहाँ का नाली का भी निर्माण किया जाए और कचरा का भी साफ सफाई किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर आज हम लोग आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से हम लोग आज ज्ञापन दे रहे जा रहे हैं जिला के उपायुक्त महोदय। जमशेदपुर आगामी 20 मई को हिंदू जागरण मंच द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी सरस्वती दीदी अपनी प्रखर वाणी से भक्तों का मार्गदर्शन करेगी, जिसकी तैयारी की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कहा कि इस सम्मेलन का नाम एक शाम बेटियों के नाम रखा गया है और इसमें वर्तमान समय बेटियों पर हो रहे अत्याचार बलात्कार आदि कई मुद्दों पर साध्वी सरस्वती दीदी अपनी प्रखर वाणी से सभी का मार्गदर्शन करेगी। परमाइंस के जंपल मैदान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ इसमें राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के प्रधान संचालक सच्चिदानंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। प्रांत संचालक बोर्ड इन ऑफ स्पीक हो गया, ये चीज हो गया आप लोगों का। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा पूरे देश भर में वालमार्ट सौदा को रद्द किए जाने की मांग उठाई गई है। जमशेदपुर स्वदेशी जागरण मंच इकाई के द्वारा इस मांग के संबंध में देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया, साथ ही इस सौदे को रद्द किया गया। इस दौरान इनके द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के पास प्रधानमंत्री के एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पिछले दिन फ्लिपकार्ट के अधिकतर शेयर वालमार्ट ने खरीदे हैं और इसका सौदा हो चुका है। इन्होंने कहा कि वालमार्ट सीधे रास्ते से भारत में प्रवेश नहीं कर इस तरह से पीछे के दरवाजे से भारत में प्रवेश कर रहा है और इससे छोटे व्यापारियों तथा किसानों के रोजगार पर सीधे असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह देश के कानून के खिलाफ ही है और छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से देश में जो भी नौकरियां चल रही है वे भी बंद हो जाएगी। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के समक्ष मांग की है कि सौदे को अविलंब रद्द किया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल ट्रेड कंपनी वालमार्ट, उन्होंने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर को खरीद करके और पीछे दरवाजे से भारत में प्रवेश करने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। भारत सरकार के कानून के हिसाब से खुदरा व्यापार में कोई भी विदेशी कंपनी का प्रवेश निषेध है, लेकिन वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट के शेयर को खरीद करके सरकार के इस कानून को तोड़ा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि वालमार्ट फ्लिपकार्ट का समझौता अविलंब रद्द हो, जिससे कि देश के लाखों खुदरा व्यापारियों का जो रोजी रोटी है वो बच सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला प्लस योजना हो गया है। इसको लेकर सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सभी अंचलाधिकारी और गैस एजेंसियों के मालिकों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से जिले के वैसे तमाम लाभुकों का चयन करते हुए 15 जून तक लगभग 90,000 लाभुकों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 7,000 लाभुकों को गैस चूल्हा का वितरण किया जाना है अभी बाकी है, जबकि नई योजना के तहत लगभग 90,000 लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जाना है। वहीं हर सप्ते लगभग 7,000 लाभुकों के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान जिले के तमाम अंचलाधिकारी गैस एजेंसी वितरक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्लस हो चुका है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्लस के तहत में वैसे लाभुक जो कि SEC डेटा में नहीं है परंतु या तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत है या अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं और जिनका राशन कार्ड प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड उनको इशू किया हुआ है, वैसे लोगों को हम लोग जो है उज्ज्वला योजना के तहत कवर कर रहे हैं। तो उसी की कार्य योजना आज की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि हम लोग इसको जल्द से जल्द इसका कार्यान्वयन करें। गैस एजेंसी को निर्देश ये दिया गया है कि प्रत्येक हफ्ता हमारे पास 770 जितने भी PDS डीलर हैं उनको 10-10 फॉर्म बंटवा के उनसे KYC फॉर्म भरवाना है। तो प्रत्येक हफ्ता हम लोग को लगभग 7,500 फॉर्म फिलअप करवाना है।
और 25 मई तक जो है हमारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो हमारे 8000 लाभुक बच गए हैं उसको कवर कर लेना है, और 25 मई के बाद उज्ज्वला योजना प्लस के तहत वैसे लाभुक जो अंत्योदय योजना में हैं या जिनको फॉरेस्ट पट्टा दिया गया है वैसे लोगों को हम लोग 15 जून तक कवर करेंगे। तो ये उज्ज्वला योजना प्लस के तहत जो है लगभग 90,000 हमारा और टारगेट आ गया है। और अब चैनल से पहले डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दस मई को रेडी थाना क्षेत्र के विशाल सिंह की हत्या के 5 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिक्किपे के कुख्यात अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार, भरवाइस थाना के हाजिर से हुआ फरार। मुस्कान के मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी को लेकर कांग्रेस नेता अनिल दुबे ने किया हंगामा। और डेंगू से निपटने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, मानसून से पहले जिले के उपायुक्त ने लोगों को दिए जागरूकता के टिप्स। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।